ला जरा अखबार पकड़ाओ। दस बच्चों की नौकरियां लगी है यहाँ पे। सरकार तो नौकरियां बांट रही है, लेकिन एक अपना वाला निकम्मा है। रेलवे में भर्तियां निकल रही है। आज भी क्रिकेट देखने लग गया होगा। अरे आ जाएगा पापा, खेलने की उम्र है तो खेलने दो उसे। आ गया तू? अरे इतना ध्यान अगर क्रिकेट देखने की जगह पढ़ाई में लगाया होता तो आज कहाँ का कहाँ होता तू। न जाने कहीं ना कहीं तो नौकरी लग जाती तेरी। अरे नहीं लगता ना मेरा ध्यान पढ़ाई में, नहीं समझता क्या करूं। एक तरफ सवाल चलते तो एक तरफ मेरा ये बल्ला। मन तो मेरा बल्लेबाजी में लगता है, ना कि ये पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है 15 साल की उम्र में तेंदुलकर ने इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अगर उसके पिताजी भी आपके जैसे किताबों का भोजा लेके बैठे होते ना, तो आज देश को इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं मिला होता। रोशन, रोशन, क्या देख रहा है? कुछ नहीं। अरे बार बार यूं आकर मैच देखना बंद कर, तेरा बाप नहीं खेलने देगा तुझे। क्यों बंद कर? बड़ा खेल के तो मैं रहूंगा। ये तुझे खिलाएंगे, तुझ 5 फुटिए को। अबे ये क्या, इनका चाचा भी खिलाएगा? इन्हें पता नहीं है मेरी किस्मत में कैसा भी समय लिखा है जब मैं इंडिया के लिए खेल रहूंगा। अच्छा, भैया मुझे भी खेलना है। भाई अभी नहीं, बाद में। अरे भैया मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, बोल डालना। अरे क्या हुआ रविराज? अरे यार ये भाई भी खेलने को बोल रहा है। यार साइड में भेज दे तू इसको और बोल डाल। चल भाई साइड में जा। मौका दिया है, अच्छे से खेलना, 6 रन बनाने। डील डन भैया। 2 बॉल और 6 रन। अब देखो चलेगा रोशन का बल्ला। जीत गए। अरे वाह मेरे शेर, जिता दिया आज तो तूने। चल चल आ जा, तुझे आज पार्टी दूंगा। पापा पापा वो तूने एक बाप को हरा के मैच तो जितवा दिया। ला बल्ला दे बाप सबके सामने। चल जा बोल डा। Thank you.